श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए महाराज जी? क्या तो ये तो ना विग्रह में भी तो व्याप्त है, तुम निषेध क्यों कर रहे हो? नहीं निषेध क्यों नहीं, हमें उसमें तुम अपने तर्क को मत रखो। जब श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त है तो मूर्ति में भी श्री कृष्ण है ना, तो फिर निषेध क्यों? फिर आप क्यों कहते हो क्यों पूजा करनी चाहिए? उनकी रुचि है, उनकी रुचि जब कण कण में व्याप्त है तो उसमें मानकर पूजा करें तो निषेध क्यों? ये वृत्ति क्यों? नहीं गलत बात, जब ये तुम जानती हो कि श्री कृष्ण कण कण में है तो मूर्ति में भी है ना, तो पूज रहा तो प्रणाम करो उसको, उसकी निषेध वृत्ति क्यों लाई रही हो? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? बस यही हमें गुस्सा दिलाती है यही बातें, कि ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो परेशान हो जाओगे परमात्मा प्राप्ति की, तो बात जाने तो वास्तविकता भी चली जाएगी। आजकल लोग यही है, यही है कि हम तो निराकार की उपासना करते हैं, बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान हो जाए तुम्हें बताना। गुरु आकार रूप में आता है, उसे माला पहनाते हो, प्रणाम करते हो कि नहीं करते, उसकी पूजा करते हो कि नहीं करते, तो बिना पूजा गुरु किए गुरु की किए तुम्हें ज्ञान हो जाएगा क्या? तो तुम गुरु की पूजा कर रहे हो, कोई अष्ट धातु की पूजा कर रहा है, कोई पांच भौतिक स्वरूप में मान के पूजा कर रहा है, कोई मृतिका में कर रहा है, कोई पाषाण में कर रहा है, कण कण में परमात्मा, तेरा विरोध क्यों? तेरा अज्ञान तेरा अहंकार विरोध है, वो ज्ञान थोड़ी विरोध है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, आठ दस अंधे थे तो बोले हाथी कैसा, तो एक ने जांघ पकड़ी बोले ऐसा लंबा लंबा, एक ने कान पकड़ा बोले सूप जैसा, एक ने पूछ पकड़ी अपने, संपूर्ण हाथी तो नेत्र वाला देख के बताएगा, संपूर्ण हाथी तो आंख वाला देख के बताएगा कि हाँ, संपूर्ण हाथी कहते तुम झगड़ो मत, तुम सब उसी हाथी के अंग का वर्णन कर रहे हो, संपूर्ण हाथी तुम मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। जो संपूर्ण ज्ञानी है वो वही है जो निराकार साकार में कोई भेद नहीं देखता, जो जड़ चैतन्य में कोई भेद नहीं देखता, जो महात्मा दुरात्मा में भेद नहीं देखा, एक ही परब्रह्म परमात्मा विराज, ये सच्चा ज्ञान है। ए अज्ञान की बात।